और इसका खुलासा कब हुआ पता है? जब गांव के एक किसान ने अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस का दरवाजा खटखटाया, वो तो हक्का बक्का रह गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि अरे भाई, पूरी की पूरी गांव की जो जमीन है वो वक्फ की है, ये ऐसे बेच बेच नहीं सकते तुम, आपको जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से एनओसी लानी होगी। इस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है, 1500 साल पुराना मंदिर, और ये वक्फ की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड ने अपना माना हुआ उसे, और जब अपना मान लिया तो फिर वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति हो गई। ऐसी कई शिकायतें सामने आ चुकी, और इसीलिए सरकार को वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हुई। ये पहली सरकार नहीं है, अभी रुकते रहिए। पांचवा सवाल, सारे जवाब मिलेंगे। क्या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है? उनको साइडलाइन करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है? मेरे पास दो पन्ने हैं, बगैर पन्नों के, बगैर कागजात के और बगैर फैक्ट्स के हम बात नहीं करते हैं न्यूज 18 इंडिया पर। ये जो दो रिपोर्ट्स है ना, एक तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और एक जेपीसी की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, ये दोनों ही रिपोर्ट इस बात का जीता जागता सबूत है कि वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व और अधिकार उनके, और बदलाव की जो बात आज हो रही है किरेन रिजिजू जो कर रहे हैं, वो सब इसमें मेंशन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों रिपोर्ट कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान सामने आई थी, यानी बदलाव की बात 2006 से की जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के नियमों से जो बदलाव 2013 में किए गए उसमें सिर्फ वक्फ बोर्ड को और ताकतवर कर दिया गया। यानी मुसलमानों को टारगेट करने की बात का जो जवाब है आप यहीं समझ लीजिए। अब इन्हीं सवालों का जवाब सिर्फ ये पन्ने और कागजात और एग्जाम्पल नहीं है, हमने एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश की, और इसीलिए आज एक्सपर्ट से इन सारे सवालों का जवाब देंगे। शुरू करते हैं गूंज। गूंज पर इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे